जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई की है। सीबीआई ने उनके परिसर समेत 30 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में गुरुवार सुबह को मलिक के यहां कार्रवाई चल रही है। जानकारी मिली है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के दिल्ली स्थित घर पर सीबीआई ने छापा मारा है। दरअसल सीबीआई ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मामले में यह छापेमारी की है। बीमा घोटाले में सीबीआई मलिक के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। आपको बता दें कि बीमा घोटाले के मामले में सीबीआई सत्यपाल मलिक और उनके करीबियों के ठिकाने पर छापा पहले भी मार चुकी है। आपको बता दें कि साल 2019 में किश्तवाड़ में किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 2200 करोड़ के सिविल काम का ठेका देने में कथित भ्रष्टाचार हुआ था। सत्यपाल मलिक जो 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे थे। मलिक का आरोप है कि उन्हें परियोजना से संबंधित दो फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की गई थी। आपको बता दें कि सीबीआई द्वारा सत्यपाल मलिक के घर पर छापेमारी के बाद पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि पिछले 3 से 4 दिनों से मैं बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं। इसके बावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों के छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। इसके साथ ही सत्यपाल मलिक ने अपने पोस्ट में कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से मैं नहीं घबराऊंगा, मैं किसानों के साथ हूं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आवास पर छापेमारी के बाद राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई है और इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही है। बात अगर सत्यपाल मलिक की करें तो साल 1996 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर अलीगढ़ से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें उस समय हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2004 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से फिर से चुनाव लड़ा, लेकिन उस समय भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि साल 2014 में केंद्र में मोदी सरकार के बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें सन 2017 में बिहार का राज्यपाल बनाया। बिहार के बाद उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले भी सत्यपाल मलिक काफी सुर्खियों में रहे हैं। साल 2019 में पुलवामा हमले को लेकर भी मलिक ने कई गंभीर दावे किए थे और केंद्र समेत गृह मंत्रालय पर आरोप लगाए थे। इसके बाद वह किसान आंदोलन में सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखर रहे हैं।